देखो लास्ट टाइम पे अपन ने डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग होता है उसके बारे में बात की थी। आज अपन डिफरेंशिएशन के बेस पे ट्यूशन करेंगे भाई। डिफरेंशिएशन के बेस पे ट्यूशन करने जा रहे हैं आज। अब देखो, अगर बेसिक मीनिंग किसी को कंप्लीट नहीं समझ आया तो भी उसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आज की क्लास का है, मीनिंग ट्यूशनों का। देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स। मैंने तुम्हारे को बेसिक मीनिंग बता दिया था। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग था वो क्या था? इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना किसके बेसिस पे होगा? डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होगा। मीनिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है भाई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तुम निकाल रहे हो उसका मीनिंग डिफरेंशिएशन कर रहे हो। एवरेज रेट निकाल रहे हो वो डिफरेंशिएशन नहीं है। एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में कल मैंने डिफरेंस बता दिया था। एवरेज में जो होता है डेल्टा टी होता है वो लार्ज होता है। मीनिंग डेल्टा टी का वैल्यू अगर लार्ज है तो फिर वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है या एवरेज वैल्यू है। अगर डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो हो, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो हो तो फिर वो इंस्टेंटेनियस होता है और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही अपने पास डिफरेंशिएशन है। ज्योमेट्री में इसका मीनिंग बताया था स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है भाई। ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या बताया था आपने? क्या फाइंड आउट करना पड़ता है बताओ? स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये समझो डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट हुआ है और इसको ध्यान लगाओ। डी अपॉन डी एक्स इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना है? यहाँ जो क्वांटिटी अपने को गिवन होगी, जैसे मान लो y गिवन है तो y को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ समझो y गिवन है अपने को तो y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। मीनिंग किसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है? y में। y में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x ऐसे कह सकते हैं। d अपॉन डी टी लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। डी अपॉन डी वाई लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। मीनिंग जो भी यहां लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है बताओ? डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो फर्स्ट जो इसका टाइप आता है, फर्स्ट टाइप की बात करते हैं पहले। डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ है x की पावर n, x बेस है n पावर है। मैंने बोला x क्या है बताओ? बेस है। n क्या है बताओ? पावर है। सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है पावर को बेस के मल्टीप्लाई में लिखो। पावर को किसके मल्टीप्लाई में लिखो? बेस के मल्टीप्लाई में लिखो। पावर को बेस के मल्टीप्लाई में जब लिख लेंगे उसके बाद में क्या करना है अपने को? देखो पावर को बेस के मल्टीप्लाई में लिखो तो एन एक्स, फिर पावर में से वन सबट्रैक्ट करना है भाई अपने। पावर में से क्या सबट्रैक्ट करना है बताओ? वन सबट्रैक्ट करना है। क्लियर है भाई फॉर्मूला? मैंने क्या बोला? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। किसका करना था? एक्स की पावर एन का। एक्स बेस है, एन क्या है बताओ? पावर है। तो देखो एक्स तो बेस है, एन पावर है। मैंने क्या बोला? पावर को बेस के मल्टीप्लाई में लिखो तो पावर एन है, बेस के मल्टीप्लाई में आ गई। बेस क्या है? एक्स।
तो बताओ पावर बेस के मल्टीप्लाई में आ गई, ये पावर ये बेस, और फिर पावर में से कितना सबट्रैक्ट किया आपने, वन सबट्रैक्ट, पावर में से कितना सबट्रैक्ट किया आपने, कितना घटाया, वन सबट्रैक्ट किया। इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे मैंने लिखा है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख दिया। सबसे पहले कंपेयर करो एक बार, फॉर्मूला लगाते हुए करो एक बार, फिर जब आ जाएगा तो अपन डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो x के प्लेस पे x है, बताओ n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू कितना है, 2 है। फॉर्मूला क्या है, पहले n आएगा मीनिंग 2 आएगा, फिर आएगा x, फिर क्या आएगा बताओ, 2 माइनस 1 आएगा। अब बताओ क्या आया, ये आ गया 2x की पावर 1 मीनिंग 2x आ गया। क्लियर है भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो तुम तो वैल्यू, n है, n का वैल्यू 2 है, 2 फिर x, n के प्लेस पे 2 फिर माइनस 1, तो 2 एज इट इज x, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन d अपॉन dx x की पावर 5 लिख दिया, बताओ n का वैल्यू कंपेयर करो, पहले n का वैल्यू कितना है, 5 है, बताओ n, n कितना आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा x, 5 माइनस है 1, 5 x की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है भाई, अब देखो दोनों क्वेश्चन क्लियर है इसके बेसिस पे, और करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2। देखो धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, 3/2 लिखा हुआ है, n का वैल्यू कितना है, 3/2 है, बताओ क्या आएगा। सबसे पहले n को राइट करना है, n का वैल्यू कितना, 3/2, फिर x, फिर n का वैल्यू 3/2 माइनस 1, कितना आएगा बताओ, 3/2 x की पावर, 3/2 में से 1 सबट्रैक्ट करना है तो 1/2 आएगा, और इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 3/2 एक्स की पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट एक्स। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका आंसर है, ये तो एन का वैल्यू था भाई, इसका आंसर है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर है 5/2, एन का वैल्यू कितना है, 5/2 है, बताओ एन एक्स एन माइनस 1, एन का वैल्यू 5/2, फिर x, फिर n का वैल्यू 5/2 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे अपन, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5/2 का डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं, 5/2 x की पावर है, इसको जब सोल्व करोगे एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2। क्लियर हो रहे हैं भाई क्वेश्चन है, इस बेसिस पे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं क्या, बताओ देखे। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का मीनिंग एक्स पे पावर कितनी है बताओ, एक्स पे पावर है 1/2 है। अंडर रूट का मीनिंग पावर कितनी है बताओ, 1/2 है। तो देखो पावर 1/2 है भाई अंडर रूट का मीनिंग, तो क्या लिख सकते हैं इसको, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसको भाई, एक्स की पावर है 1/2 इसको लिख सकते हैं। अब देखो n का वैल्यू कितना है, 1/2, फॉर्मूला बोलो एन एक्स एन माइनस वन है, एन का वैल्यू कितना है 1/2, ये एन हो गया, फिर एक्स आएगा एन माइनस वन, 1/2 माइनस ए वन हो गया, 1/2 माइनस ए वन हो गया। सॉल्व करो इसको, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, माइनस का 1/2 हो गया। देखो पावर नेगेटिव है बट न्यूमरेटर में है ये, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव हो जाएगी क्या, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया विद पॉजिटिव पावर, उसको और क्या लिखा जा सकता है, 1/2 एक्स की पावर, 1/2 का मीनिंग अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स हो गया। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स 1/ अंडर रूट एक्स लिख दिया भाई, 1/ अंडर रूट एक्स, देखो समझो इसको, डी अपॉन डी एक्स इसको लिख रहा हूं मैं 1/ एक्स की पावर 1/2, यही है भाई ये, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, 1/ एक्स की पावर 1/2 है ये, इस पावर को न्यूमरेटर में लेके जाओ तब कंपेयर कर पाएंगे, पावर को न्यूमरेटर में लेके गए तो माइनस का 1/2 हो गया, एन का वैल्यू कितना आ गया बताओ, माइनस का 1/2, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, माइनस का 1/2, एक्स की पावर माइनस का 3/2, ये जो पावर है नेगेटिव है, पॉजिटिव अगर तुम्हारे को कन्वर्ट करना है, माइनस का 1/2 इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, एक्स की पावर 3/2, ये हो जाएगा भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/3 लिखा हुआ है भाई, एन का वैल्यू 1/3 है, बताओ एन एक्स एन माइनस वन, एन कितना है 1/3, एक्स एन माइनस वन मीनिंग 1/3 माइनस वन, क्या आएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस का 2/3, इसको सोल्व कर लोगे भाई एलसीएम लेके, 1/3 माइनस वन को 3 विल बी एलसीएम, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2/3 हो जाएगा भाई, एलसीएम लेके सोल्व तो कर सकते हो ना इसको, ये पावर नेगेटिव में है भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1/3 एक्स की पावर 2/3 ये हो जाएगा भाई। क्लियर हो रहे हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन है।
अब देखो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर है, या ऐसे लिख लो उसको वन अपॉन एक्स की पावर फोर। बोलो एन का वैल्यू फोर नहीं है अभी, डी अपॉन डी एक्स है। अब अपने एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एन का वैल्यू कितना हुआ बताओ, माइनस फोर हुआ, एन एक्स एन माइनस वन है, माइनस फोर है, एक्स है, माइनस फोर माइनस वन है, तो माइनस का फोर है, एक्स की पावर माइनस का फाइव है, माइनस का फोर अपॉन एक्स की पावर फाइव हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स है, एक्स की पावर है सेवन बाई टू लिखा हुआ है भाई, एन इक्वल टू सेवन बाई टू। बोलो क्या आएगा, एन एक्स है, एन माइनस वन है, सेवन बाई टू एक्स की पावर है फाइव बाई टू। डी अपॉन डी एक्स है, एक्स की पावर है फोर बाई थ्री लिखा हुआ है, एन इक्वल टू फोर बाई थ्री, एन एक्स है, एन एक्स है, एन माइनस वन है, फोर बाई थ्री एक्स की पावर वन बाई थ्री हो जाएगा। तो ये पहले फॉर्मूले के बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन है ये हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके टाइप में आते हैं, नेक्स्ट टाइप में क्या है बताओ, नेक्स्ट टाइप में ये गिवन है भाई। फर्स्ट जो टाइप था वो तो क्या था, फर्स्ट टाइप में लिखा हुआ था y इक्वल टू x की पावर n। फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने बताओ भाई, फॉर्मूला बनाया d अपॉन डी एक्स, यहाँ y है तो d अपॉन डी एक्स, और y का वैल्यू क्या आ गया x की पावर n, पावर को मल्टीप्लाई में लिया किसके बेस के, और पावर में से वन है सबट्रैक्ट किया। सेकेंड टाइप में लिखा हुआ है y इक्वल टू सी एक्स की पावर n, वह c कांस्टेंट है, सी क्या है बताओ वहां पे कांस्टेंट है, c क्या है बताओ कांस्टेंट है। तो dy by dx फाइंड आउट करना है, d अपॉन डी एक्स y के प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ सी एक्स की पावर n। देखो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से आउटसाइड लेना है भाई, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या लेना है आउटसाइड, सी को आउटसाइड ले हो तो सी आउटसाइड आ गया, तो फिर क्या आया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ये फर्स्ट फॉर्मेट ही बन गया सी के अलावा, सी तो मल्टीप्लाई में है ही भाई, तो क्या आएगा सी एन एक्स एन माइनस वन, वैसे तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर है भाई, ये सेकंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड टाइप तो क्लियर है भाई, इसमें कांस्टेंट आएगा साथ में, साथ में क्या आएगा बताओ कांस्टेंट आएगा, करना क्या है कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से आउटसाइड लेना है तुम्हारे को, और फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, मीनिंग फर्स्ट टाइप के जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेंगे सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो सेकंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिया सेकंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स फाइव एक्स स्क्वायर लिख दिया भाई, फाइव एक्स स्क्वायर लिख दिया,
अब देखो जो फाइव है वो किसके प्लेस पे बताओ, सी के प्लेस पे है, तो मैंने क्या बताया था, सी को आउटसाइड ले, मीनिंग फाइव को आउटसाइड ले, जो कॉन्स्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से आउटसाइड ले, तो फाइव को आउटसाइड ले लिए, क्या रह गया ये डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब बताओ एन का वैल्यू कितना है, कंपेयर करो एन का वैल्यू कितना है, बताओ टू है, बताओ सी तो एज इट इज आएगा, मीनिंग फाइव तो एज इट इज आएगा, अब जो आएगा वो फाइव के मल्टीप्लाई में आएगा भाई, ये मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दिया अपन ने, बताओ एन एक्स एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना टू, एक्स टू माइनस वन कितना हो गया टेन, और एक्स की पावर कितना आ गया बताओ वन, मीनिंग टेन एक्स विल बी आंसर। क्लियर हो रहा है भाई, सेकेंड टाइप भी साथ में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आउटसाइड ले लो, कांस्टेंट को आउटसाइड ले लो भाई, कांस्टेंट को आउटसाइड ले लो डिफरेंशिएशन से। और देखो क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स फॉर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बताओ सी के प्लेस पे कितना है, फोर है, फोर का आउटसाइड ले, फोर का आउटसाइड ले लिए डिफरेंशिएशन से, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर थ्री, बताओ फोर एज इट इज, मीनिंग सी एज इट इज फॉर्मूला लगाओ, एन का वैल्यू कितना है थ्री है, एन एक्स एन माइनस वन एन का वैल्यू थ्री, फिर एक्स थ्री माइनस वन कितना हो गया ट्वेल्व हो गया, एक्स की पावर थ्री में से वन गया तो टू। क्लियर है भाई, अब देखो d अपॉन डी एक्स टू रूट एक्स लिख दिया अपन ने, टू रूट एक्स, देखो c के प्लेस पे टू है, टू को आउटसाइड ले, d अपॉन डी एक्स और रूट एक्स हो गया ये। अब अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया था, देखो एक बार फिर बता देता हूँ, टू d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू, अंडर रूट का मीनिंग पावर कितनी है बताओ वन बाई टू है, अंडर रूट का मीनिंग पावर कितनी है बताओ वन बाई टू है, तो देखो पावर वन बाई टू है, बताओ सी तो एजिटी जाएगा, टू एजिटी जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में आएगा एन एक्स एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है वन बाई टू, एक्स एन माइनस वन वन बाई टू माइनस वन, बताओ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बताओ x की पावर माइनस का वन बाई टू, देखो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो वन अपॉन x की पावर क्या वन बाई टू लिख सकते हो भाई, और x की पावर वन बाई टू का मीनिंग कितना हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन अंडर रूट एक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, डी अपॉन डी एक्स फाइव अपॉन रूट एक्स लिख दिया, फाइव अपॉन अंडर रूट एक्स, फाइव सी के प्लेस पे है, आउटसाइड ले ओ, d अपॉन डी एक्स किसको सोल्व करना है वन अपॉन रूट x को, बताओ फाइव d अपॉन डी एक्स ये क्या आ गया वन अपॉन x की पावर वन बाई टू हो गया, तो ये आ गया फाइव d अपॉन डी एक्स माइनस का वन बाई टू। अब देखो इसके बाद में मैं नीचे सोल्व कर रहा हूँ इसको, फाइव एज इट इज आ गया, अब फॉर्मूला लगाओ एन का वैल्यू कितना है बताओ, एन का वैल्यू है माइनस वन बाई टू, तो फॉर्मूला क्या आएगा एन एक्स एन माइनस वन आएगा, एन का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन है, यह आएगा माइनस का फाइव बाई टू, फिर
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3/2। आंसर आया माइनस का 5/2, एक्स की पावर माइनस का 3/2। और सॉल्व करना चाहे तो माइनस का 5/2 इसको डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूं तो एक्स की पावर कितनी आ गई, 3/2, ये हो जाएगी। और देखो डी अपॉन डी एक्स, मैंने ओनली 5 ही लिख दिया, क्या लिख दिया बताओ, 5 ही लिख दिया। तो अब देखो एन का वैल्यू कैसे लेना है तुम्हारे, यहां से नहीं ले सकते। देखो कैसे सोल्व किया जाएगा इसको समझना थोड़ा ध्यान से। डी अपॉन डी एक्स 5 के मल्टीप्लाई में क्या 1 कंसीडर कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। तो मैंने 5 को लिख दिया 5 × 1, इस 1 को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो ये आ गया d अपॉन dx, x की ये 5 तो है ही, इस 1 को लिख दिया मैंने x की पावर 0। मैंने पहले भी बताया तुम्हारे को किसी की भी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1 होता है। 5 c के प्लेस पे है, 5 को आउटसाइड ले लो, ये आ गया d अपॉन dx, x की पावर 0। बताओ एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 0 है। फॉर्मूला क्या आएगा, सी तो एजीटी जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन आएगा, तो एन का वैल्यू कितना है बताओ, 0 है। ये एन फिर एक्स फिर 0 माइनस वन, कंप्लीटली कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, रिजल्ट ये आया डी अपॉन डी एक्स है और यहाँ कांस्टेंट है, मीनिंग यहाँ सी लिख दिया मैंने, वेयर सी इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, सी इज कांस्टेंट। सी क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो रिजल्ट ये आया कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बताओ, 0 होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, पाई लिख दिया, पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, नियर अबाउट वैल्यू होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है, मीनिंग 22/7 होता है। आप देखो कितना आएगा आंसर, 0, क्योंकि अपन ने ये रीड कर लिया कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बताओ, 0 होता है। क्लियर है भाई। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स 3/(x^3) ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3/(x^3). देखो x की जो पावर 1/3 है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, डी अपॉन डी एक्स 3/(-1/3), ये सी हो गया, सी को आउटसाइड ले लो, 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1/3, एन का वैल्यू कितना है बताओ, माइनस का 1/3 है, सी एच टी जाएगा, एन एक्स एन माइनस ए 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा माइनस का एक्स की पावर है माइनस का 4/3, ये आंसर आएगा। और अगर इसको सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स 3/(x^3) है, उसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/, पावर को डिनोमिनेटर में ले आओ, x की पावर क्या आ जाएगा, 4/3।
क्लियर हो रहे हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लर्न करना है भाई, जीरो होता है कैसे, मैंने सॉल्व करके बताया कंप्लीट तुम्हारे को। डी अपॉन डी एक्स टेन टेन एक्स की पावर 5/2 है, टेन सी के प्लेस पे है, आउट साउट ले टेन डी अपॉन डी एक्स की पावर 5/2, एन के प्लेस पे वैल्यू कितना है बताओ, 5/2 है, टेन एज इट इज एन एक्स एन माइनस वन है, एन एक्स एन माइनस वन है, बताओ इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ये अपन ने किसके बेसिस पे क्वेश्चन किए, सेकंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन है किए। ये सेकंड टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन थर्ड जो टाइप है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों टाइप क्लियर है क्या, दोनों टाइप क्लियर है भाई? नेक्स्ट रन पे थर्ड जो फॉर्मेट है, थर्ड जो टाइप है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। ओके थैंक्स।